आप किसी बहुत 5 स्टार छोड़े 7 स्टार होटल में जाएं, 7 स्टार होटल, आप किसी को कुछ ना बताएं कि वहां का सोफा कैसा था, वहां की एंट्रेंस कैसी थी, वहां पे शैंडलियर, छोड़ देंगे बातें ना बताएं, आप लोगों को सिर्फ ये बताएं कि वहां पे जो नलके का टॉप था ना जिसको टर्न कर, वो किसका बना हुआ था। आप ये बताएं कि वहां जो हैंड टॉवल था ना वो किस क्वालिटी का था। आप ये बताएं कि वहां पे जो स्विचेस लगे हुए थे ना कमरे के अंदर, लाइटों के बटन जो थे, वो किस कंपनी के बटन लगे हुए थे। आप ये बताएं कि वहां पे जो थर्मोस्टैट सेट करने के लिए जो एयर कंडीशनिंग का था वो कैसा था। आप ये बताएं कि किस तरह से दीवारों का टेक्सचर पेंट कारपेट के टेक्सचर और पेंट के साथ मैच कर रहा था। यानी अगर आप किसी को सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें बताओ ना, बाकी वो खुद इमेजिन कर ले। अगर इतनी ज्यादा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में अटेंशन टू डिटेल, अगर इतनी ज्यादा डिटेल में आप गए हैं छोटी छोटी चीजों पे, तो सोचो बड़ी चीजें कितनी अच्छी होंगी। अल्लाह सुभान व तआला आपको ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज का जिक्र कर रहा हूं, एक जो जन्नत में लोगों को अमेजिंग चीजें मिलेंगी ना, उसमें से एक छोटी सी चीज का, वो जो जब आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं ना, तो वो आपको आते ही कोई ड्रिंक दे देते हैं, पानी पिला देते हैं, कोई जूस पिला देते हैं। जब भी आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, वो जाते ही आपको बिठाते हैं सोफे पे, आपको कोई ड्रिंक देते हैं, जब आपको वो चेक इन कर रहे होते हैं तो वो आपको एंटरटेन करते हैं, कस्टमर सर्विस देते हैं ना। अल्लाह सुभान व तआला आपको बता रहे हैं कि जब आप जन्नत में दाखिल होंगे तो आपको रईक मखदूम दिया जाएगा, आपके लिए स्पेशली एक बॉटल डिजाइंड है जिसमें एक ऐसा ड्रिंक है जो आपको, आपके छक्के छूट जाएंगे वो पी के, और वो सील पैक्ड है, आपसे पहले किसी ने उसको छुआ ही नहीं, और उसका जो ढक्कन है उस, सिर्फ ड्रिंक को तो छोड़ें, ड्रिंक कितनी आला है वो तो छोड़ो परे, वो तो अभी तो बात ही नहीं कर रहे ड्रिंक की ना, बॉटल की बात करें, ढक्कन ही उसका इतना आला है कि सिर्फ ढक्कन की स्मेल सूंघ के बंदा कहेगा यार मैं किधर आ गया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर रेस लगानी है ना भाई, अगर रेस लगानी है तो इसके लिए रेस लगाओ। क्या तुम दुनिया के पीछे मर रहे हो? क्या तुम दुनिया के पीछे भाग दौड़ कर रहे हो? ये दुनिया जो वैसे ही अदना है, दुनिया निकली अदना से, छोटी चीज है, हकीर चीज है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है ये दुनिया। हदीस में आता है मरी हुई बकरी जो है ना, जो एक बीमारी से मर गई हो, उससे ज्यादा हकीर ये दुनिया है। और पूरी दुनिया जो है, लोग जो है वो सारे इसी के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर रेस लगानी है ना किसी चीज की, अगर कोई वैल्यू है तो वो उसकी है।